अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे जो है वो हम जा रहे थे बच्चों के स्कूल, और आज जो था वो पीटीएम था, बच्चों का रिजल्ट भी था, तो हमने वो पिक करना था और कुछ जो है वो टीचर्स के साथ कोई बातचीत भी करनी थी। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, ये देखिए इस तरह से इन्होंने बोर्ड लगाया था, काफ़ी स्कूल को जो है वो अच्छा बनाया हुआ था। और यहाँ पर जो है हम वापस आए, तो ये देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, स्कूल वाकई बहुत प्यारा है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा जो है वो क्लिप थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था मैंने आते जाते हुए, बस फिर मैंने कहा चलो जी यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देखिए ये जो है वो हमारे पास रिजल्ट था, और हम जो है वो ए प्लस आया था माशाल्लाह से ग्रेड जो है। और ये देखिए धूप में बाइक खड़ी हुई है, और मुझे बहुत वो हो रहा था कि मैं कैसे बैठूँगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो हमने डिसाइड किया था कि ना चलो ये करते हैं कि ना हम जो है वो थोड़ा सा गन्ने का जूस वूस पीते हैं, फिर हम घर जाएंगे। और ये जी हमारे लिए जो है वो गन्ने का फ्रेश फ्रेश जो है वो जूस रेडी हो रहा था। ये देखिए कितना मज़े का जो है वो सीन होता है, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, और जो है बर्फ़ शर्फ डल के, और ये ठंडा ठंडा जो है वो हमारे लिए जूस रेडी होता है। अच्छा इसमें जो है ना वो भाई ने जो है इन्होंने अदरक भी डाली थी, और वो इतना मज़े का जो है वो फ्लेवर आया था ना, आहा क्या बताऊँ मैं आपको। गर्मियाँ हो और ये गन्ने का जूस हो तो बंदा जो है वो इस तरह का जो है वो जूस पी के, ये देखिए भाई जो है वो छान भी रहे थे। अच्छा रिजल्ट का ये रहा कि अच्छा रहा ओवरऑल, तो बस अरफा का भी सही रहा है और आरम का भी माशाल्लाह से सही रहा है। थोड़ा सा मैं जो हूँ थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, ये हमारा जो है वो जूस वगैरह आ गया था, और बस फिर जो है वो हमने पिया। और ये देखें ये जो है हम यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये इनसे जो है मोबाइल छूट गया, और ये देखें और जूस भी थोड़ा सा गिर गया था। और बस ये तो होता ही है ना, बंदा जो है वो रिकॉर्ड शिकॉर्ड कर रहा हो तो मोबाइल के साथ यही होता है, कभी मोबाइल कहाँ गिर रहा होता है तो कभी कहाँ गिर रहा होता है, स्टैंड पे लगा होता है स्टैंड पे गिर जाता है। आरम की आज बर्थडे भी थी, तो आरम के लिए जो है मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी, दो दो जो है इनके लिए कप आई थी, एक मेरे लिए आया था। और आरम की बर्थडे तो आरम ने जो है फरमाइश की थी कि मेरे लिए जो है ना आपने रेड राइस बनाने हैं, तो यहाँ पे जो मैंने उसके लिए राइस भी बनाए थे, और आरम की जो है वो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा उसको जो है ना वो ज़्यादा मीठा अट्रैक्ट करता है, तो वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता है, बस उसका नमकीन राइस नहीं अच्छा लगता है, बॉयल राइस खा लेता है, लेकिन बिरयानी शिरानी पुलाव शुलाव बनाने तो वो नहीं खाता, वो कहता है मुझे रोटी चाहिए। हमारे घर में जैसे एक होता है ना घर में कि सारे घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं हम राइस खा लेंगे राइस खा लेंगे, लेकिन घर में एक बंदा जो होता है वो यही कहता है कि मुझे तो भाई रोटी खानी है। वो जो है हमारे घर में आराम है, तो उसके लिए जो है वो स्पेशल मैं रोटी बनाती हूँ, बाकी सब जो है राइस वगैरह खा लेते हैं, बिरयानी शिरानी पुलाव शुलाव कुछ भी बनता है, बल्कि अरफा का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा ये जो है ये रेड राइस जो है वो आराम के लिए बने थे, और बहुत मज़े के बने थे, आप इसकी लुक भी चेक करें कितनी मज़े की जो है वो आई है, ये देखें आहा बहुत मज़े के जो है वो राइस बने थे। ओके जी यहाँ पे जो है वो हम अपने व्लॉग का जो है वो एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है आज का व्लॉग छोटा सा जो है वो अच्छा लगा होगा, बाकी जो है वो बातें हम कल करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला से मैं एक रेसिपी डालूंगी। ओके जी बाय बाय हाफिज़।